विज्ञान के इस तकनीकी दौर में दुनिया चांद पर बसने का सपना देख रही हो और जूटो, फोर्ड और हुंडई, मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियां अपना नाम कमा रही हो, लेकिन हमारे देश में जुगाड़ नाम की तकनीक का आज भी कोई तोड़ नहीं है। जुगाड़ के रूप में बैटरी रिक्शा से थार जीप की सवारी कर रहे एक बुजुर्ग चंपक सिंह को देखकर तो यही लगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। सोमवार को मुरादाबाद के कांट रोड पर लगभग 70 वर्षीय एक बुजुर्ग का जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि वह चाचा धर्राते के साथ अपने जुगाड़ से रोड पर दौड़े जा रहे थे। इन बुजुर्ग महोदय की जुगाड़ की सवारी, जिसको बैटरी रिक्शा से थार जीप का रूप देने की कोशिश की गई थी, दौड़े हुए कांट की तरफ जा रहे थे। चंपक सिंह नाम के महोदय द्वारा बताया गया कि सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें करते थे, इसी को लेकर उनके द्वारा एक बैटरी रिक्शा को थार जीप का लुक दिया गया और मैं अपनी इस गाड़ी से मुरादाबाद के साथ साथ अन्य जगह का सफर बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। एक बार चार्ज करने पर उनकी ये थार गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर दौड़ती है और अपनी इस गाड़ी से वे कहीं भी आते जाते रहते हैं। अच्छा लगता है जब उनकी इस गाड़ी को कोई देखता है। बुजुर्ग चंपक सिंह द्वारा बताया गया कि वे गाँव के रहने वाले हैं और अपनी इस गाड़ी से ही सफर करते हैं। उनको कंपनी से फोन आ रहे हैं और इनकी बैटरी से संचालित थार जीप की बात की जा रही है। चंपक सिंह द्वारा इजाद की गई इस जुगाड़ की थार जीप को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वहीं चंपक सिंह भी अपने इस जुगाड़ को लेकर काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि मेरा देश ऐसा देश है जहां पर हर इंसान कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रखता है और जुगाड़ के मामले में मेरे देश का प्रत्येक नागरिक अपनी अलग पहचान रखता है। जुगाड़ के रूप में तैयार की गई उनकी ये थार जीप उनकी पहचान बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शकील सैफी, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। सिटी चैनल की टीम आज पहुंची है कांट क्षेत्र में, जहां पर हमने देखा कि एक चाचा जो है एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, जो ई रिक्शा बता रहे हैं उसको, और ये गाड़ी अपने आप में एकदम अजूबा दिखाई दे रही है। तो हम लोगों से रुका नहीं गया और हमने सोचा कि आज हम इस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं और अपने साथी के साथ हमने रुकने के बाद इस गाड़ी को नज़ारा किया है और देखा है कि गाड़ी एकदम अजीब गाड़ी है और चाचा इसमें बैठे हैं, चाचा चला रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? चंपत सिंह। चंपत सिंह। चंपत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मखदुमपुर। कहाँ? मखदुमपुर। क्या बनाया है आपने ये जीप? किस तरह की जीप है, क्या आपके कैसे आईडिया? छोटी जीप जो बैटरी पर चलने वाली। दिमाग में ये आया कि खर्चा ना होगा इसका। कितना खर्चा आ गया चाचा इसमें? 2,25,000 रुपये। तो जैसे आप घूमते हो इसमें कितना चल जाती है सुबह से शाम तक? ये 100 किलोमीटर। चार्जिंग? एक चार्ज पे। अच्छा, इसमें डैग वैग सब कुछ लगाया है? हाँ जी। तो क्या किस तरह से आइडिया आया था आपके मन में ये? ये हमने ई रिक्शा देख के उस बनाने के लिए ये सोचा। तो कितना समय लगा गाड़ी बनाने में? 25 दिन। तो आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो कैसा लगता है आपको? बड़ा बढ़िया, सुकून में। कैसे लोग देख रहे हैं, रेस्पॉन्स कैसे मिल रहा है आपको? देखने में तो हर आदमी जो है अजूबा समझता, हर आदमी रोकता है। थोड़ा चाचा हम कहेंगे थोड़ा चला के दिखाओ धीरे धीरे। चलो, बहुत बढ़िया चाचा। चाचा कैसा लग रहा है गाड़ी को, उसको लेकर जैसे आप जाते हो देखने वाले, क्या खुशी लगती है? चलाते हुए भी खुशी लगती है और देखने में। क्या उम्र रही होगी चाचा आपकी? मेरी 70 साल है। तो चाचा गाड़ी में बैठ कर जवान दिखाई दे रहे हो। अरे भाई, जो हमारी यूथ है उससे क्या कहना चाहते हो, जो युवा लड़के हैं? युवा लड़के आप अगले आने वाले भविष्य में और इसको संशोधन करें तो और बढ़िया है। वैसे कल मेरे पे महिंद्रा वालों को ऑफर आया है। क्या बोल रहे थे कंपनी वाले? कंपनी वालों ने ये देख के कहा, पता नहीं कहाँ देखी उन्होंने जीप और ये उस पर यूट्यूब पर डाला उन्होंने कि ये हर हालत में मुझे जीप चाहिए। तो क्या बनाएंगे आप इसमें, कुछ और मॉडिफाई करेंगे? हो सकता है वो कंपनी वाले इसे बनाएं। तो ये थे चाचा जी जिन्होंने एक ऐसी जीप बनाई है जो बहुत सस्ती है और कुछ भी खर्चा नहीं है, बैटरी रिचार्ज करो और चल दो।